वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, सीईटी एग्जामिनेशन को लेके कई सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सीईटी 2023 होगा कब, कैसा होगा, क्या होगा। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए है। इफ यू वांट टू नो अबाउट सीईटी एग्जामिनेशन इन डेप्थ, ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो इट, और इफ यू वांट टू नो कि कब होगा, कैसे होगा। गाइस, सीईटी एग्जामिनेशन की एक खासियत ये है कि ये आपको सस्ते में एमबीए करा के देता है। यस, एमएमएस के जितने भी कॉलेजेस एमएमएस प्रोवाइड करते हैं, सीटी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। सो गाइस, उनकी जो फीस है वो पीजी और एमबीए से काफ़ी कम रहती है। सीटी एग्जामिनेशन स्टेट हैंडल्ड और स्टेट कंट्रोल्ड एग्जामिनेशन है, और प्रॉब्लम ये है कि कोई ढंग से नहीं जानता एग्जैक्टली एग्जामिनेशन कब होगा। ये एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ये अप्रैल से पहले तो ये एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, इफ यू आर समवन जिसने एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम का ए भी नहीं पढ़ा, ट्रस्ट मी, स्टिल यू गाइस कैन प्रिपेयर एंड डू गुड इन अपकमिंग सीटी एग्जामिनेशन। सीटी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बहुत ही डूएबल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज टाइम बाय picking up the right type of question to attempt in 150 minutes, you're going to get a great score. Negative marking नहीं होती, sectional cutoff नहीं होता, और sectional time bifurcation भी इस exam में नहीं होता। तो अगर आप ऐसे कोई student है जो एकदम पहली बार सोच रहे हैं कि MBA करना है, अचानक से graduation का last समय आया और अभी आ रहा है कि MBA करना है, CET is the perfect exam. CET examination की तैयारी करने का एक और फायदा ये है कि सीटी एग्जामिनेशन 2023 में जब भी होगा, उसके कुछ महीनों के बाद कैट एग्जामिनेशन होगा। सो ऑफ कोर्स सीटी एग्जामिनेशन प्रेप इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू डू गुड इन कैट एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि सीटी एग्जामिनेशन की जो पढ़ाई होगी वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस देगी, जो कैट एग्जामिनेशन में काम आएगा। चाहे कैट हो या सीटी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, दे ऑल फोकस ऑन ओनली वन थिंग, यूटिलाइजिंग योर रिसोर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज टाइम। अब जब सीटी की बात चली रही है तो सीमैट की भी बात कर लेते हैं। सीमैट एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से अप्रैल मंथ में होगा, एंड आप उस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सीमैट एग्जामिनेशन का एक फंडा ये है कि इसमें आपको परफेक्ट टाइम मिलता है टू अटेम्प्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होते, और इसका एक्सेप्टेंस जो है वो सीटी एग्जामिनेशन से ज़्यादा है। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, एंड एनी कॉलेज दैट इज रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ और कम्स अंडर गवर्नमेंट AICTE, ये ऑफकोर्स सीमैट के कुछ सीट्स जो होते हैं वो रिजर्व रहते हैं। सो If you are someone who didn't prepare for any entrance examination, or maybe you didn't score in the last or the recent CAT exam, CET CMAT is the perfect examination for you to get started in academic year 2023 or to prepare yourself for the upcoming CAT examination in 2023. Thank you guys. I hope this small video is going to give you some idea about what needs to be done. If you have any doubts, any concern, you guys can get in touch with us. We are going to launch a batch, offline batches for CET and CMAT. Already they are going on and we are going to launch soon. If you are interested to join them, please get in touch with us. I will share my contact details in the description box. Thank you and stay blessed.